पार्टी दे इस हलके तो सांझी उम्मीदवार सर इकबाल सिंह जी झूंदा जी इत्थे पहुंचे समूह लीडर साहिबान वर्कर साहिबान ते बहुत ही अजीज इलाके दे कोने कोने तो पहुंचिया मेरिया पैना मेरे बुजुर्ग मेरे वीर गर्ज के फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम जय भारत। अज असी सारे इत्थे इकट्ठे होए हां कि पांच दिन बाद पंजाब दे लोकां ने एक नवी सरकार चुननी है ते थोड़ी कृपा दे नाल मैनू मौका मिलिया पिछले कुछ हफ्तियां तो माझे तो लैके दुआबे तो लैके मालवे दे कोने कोने च फिरन वास्ते ते इहदे विच मैं दावे नाल कह सकदी हां कोई शक नहीं जिहो जी हनेरी चल रही है इस सरकार दे उल्ट ते थोड़ी सरकार दे पक्ष विच बहुत वड्डी गिनती दे नाल थोड़ी अपनी सरकार 20 तरीक नूं बनन लगी है। थोड़ी कृपा ते मालिक दी रहमत। 5 साल पहले आ दोनों सरकारां ने आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस पार्टी ने एक फिक्स्ड मैच खेलिया सीगा। दोनों ने इकट्ठे होके देखिया कि जे श्रोमणी अकाली दल दे कीते होए कम्मां दी गल करिए ते असीं इहनां दी बराबरी कदे कर नहीं सकते। जे लोगों नूं दित्ती हुई सहूलतों की गल करिए कोई तालमेल ही नहीं है तो फिर किवें सत्ता नूं हासिल करिए। फिर इन्नी गंदी राजनीति खेडी कि श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ इहो जिहा गंदा भंडी प्रचार किया लोगों के मन च साडे खिलाफ नफरत भोली तो एक पासे आ किया तो दूजे पासे जिथे दोनों ने रज के सानू पड़िया तो दूजे पासे वड्डे वड्डे सुनहरे सपने लोगों नूं दिखाए जिथे कांग्रेस पार्टी ने तो कोई हद ही नहीं छड़ी। एहो जे लारे एहो जे वादे कि झूठी सौं तक खा गया सारी गल्लां तुहाडे सामने हैगियां ते इहनां दा नतीजा की होया भंडी प्रचार दे नतीजे कारण एक नूं सत्ता मिल गई ते आम आदमी विरोधी धिर बन गई। मैं तां कहिंदी आ मौका तां लोकां ने दोनों नूं दित्ता अज जिहड़ा दुबारा मौका लभदे फिरदे ने मौका तां 5 साल दोवां नूं मिलिया ते कांग्रेस ने की कीता तुहाडे सामने इस भरी संगत च मैं जिहड़े इलाके च जांदी आ मैं पुछदी जरूर हाँ कि मैनू ना कोई भुलेखा हो जाए। हो सकदा है अमरगढ़ वाले सोचते ने भी वह सारी जिहड़ी सोआं खादिया सियां वह माझे च अमृतसर च दित्तियां ने या बठिंडे च दित्तियां ने या फिरोजपुर च दित्तियां ने या खरड़ च दित्तियां ने जिहदे करके मैं पुछदी जरूर हाँ कि इन्नी भरी संगत च किसी एक का भी जवाक है जिथे घर घर नौकरी के फॉर्म पर आए से थोड़े विचों कोई एक है जिसे घर से नौकरी आई है इस कांग्रेस सरकार की बहुत वधिया है करके दसिया करो ताकि मीडिया वाले सारे नूं दिखा दें क्योंकि मैं भी सोचती हूँ कि पता इन्ना वड्डा झूठ किवें कोई मार सकता है। फिर कोई भी इत्थे किसान हैगा जिहदा सारा कर्जा माफ कर दिता है कांग्रेस पार्टी ने। थोड़े पिंडां च कोई कांग्रेसी हैगा जिहदा सारा कर्जा माफ हो गया। कोई कांग्रेसी दे मुंडे दी नौकरी लग गई हैगी ते कोई बुजुर्ग माता हैगी जिहदी 2500 पेंशन आ गई है इन्नियां बैठिया ने इत्थे इक अद्धी तां होउगी। 51,000 का चैक तां किसे गरीब धी दा आया होना हैगा ते फिर जिहड़ा घिओ ते खंड ते चाह पत्ती कहिंदे सी उह तां वड्डी वड्डी बोरियां बाल्टियां आ गईआं होंगे उह भी कुछ जे 5 साल च मिला ही कुछ नहीं फिर किहड़े मूंह दे नाल वोट मंगण वास्ते आ रहे ने। ते आ कहिंदे ने कि दूजी पार्टी कहिंदी है कि एक मौका सानू दिओ ते लोकां ने मौका तां दित्ता सी विरोधी धिर तुहाडे 20 बंदे कामयाब करते ते ओपोजिशन पार्टी का दर्जा कोई छोटा नहीं हुंदा बहुत वड्डा दर्जा हुंदा सानू तां दरकिनार करता सीगा। ते फिर ओपोजिशन पार्टी बन के तुसीं कीड़ी लोकां दी आवाज़ उठाई उत्थे ओपोजिशन का मतलब विरोधी धिर का मतलब ही आ हुंदा है कि सत्ताधारी जब अपने वादे पूरे ना करे तो तुसीं उहनां दी लड़ाई लड़ो जिहड़ी लोकां दी मुश्किलां ने उहनां नूं जाके जग जाहिर करो। अज पुछना चाहुंदी आ 20 बंदियां ने कितने लोग इस सरकार के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी कि जब करोना के समय जब हरेक का धंधा माड़ा हो गया सी लेकिन गरीबों का इन्ना बुरा हाल सी कि सवेर से कमा के शाम को ढिड भरन वाले बाहर नहीं निकल सकते सी लॉकडाउन के वेले तो जिहड़ा राशन दिल्ली की सरकार ने गरीबों वास्ते भेजा सी आ चन्नी साहब के साथी जब उस गरीब के राशन भी बेच के खा गए कि चन्नी साहब या विरोधी धिर ने इन्हों के हक से कोई लड़ाई लड़ी कोई मुंह खोलिया इन्होंने वास्ते। जब गरीबों के वजीफे 4.5 लाख साढ़े बच्चे सिक्ख्या तो वांझे रह गए क्योंकि इन्हों का एक साथी मंत्री गरीब के वजीफे भी बेच के खा गया कि विरोधी धिर ने अपना मुंह खोल के लड़ाई लड़ी गरीब बच्चों वास्ते।
अज तरह तरह के वादे करते हैं, जब मौका सीगा ता तो मूँह नहीं खोलिया। हुण चन्नी साहब कहिंदे चन्नी करदा मसले हल, अज मैं तुहानू पुछदिया साढ़े चार साल मंत्री रह चुकिया, किहड़ा मसला तुहाडा हल होया उस समय, या पांच साल पांच महीने मुख्यमंत्री हो चुकिया है, लेकिन पांच महीने से लोगों का किहड़ा मसला हल किया है। हकीकत आ है कि भावें चन्नी साहब होन भावे कैप्टन साहब होन, लोगों के मसले कांग्रेस ने किसी ने नहीं हल किए। हाँ, चन्नी साहब अपना बड़ा वड्डा मसला हल कर गए ने। जेड़े चन्नी साहब कहिंदे सी मेरे घर च गरीबी है, तो फिर मेरे वीरो एक दिन का छापा पिया सिर्फ एक रिश्तेदार के घर च चन्नी साहब दे, ते की निकलिया उस रिश्तेदार के घरों, एक दिन च 11 करोड़ रुपए, लखा दा सोना, लखा दी घड़िया, करोड़ा दी गड्डिया, ते 56 करोड़ रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी के कागज एक दिन च, ते 111 दिन च सारे टब्बर ने किन्ना कमा लिया होगा पर ये तो ही अंदाजा ला लीए। ते फिर उस रिश्तेदार ने कबूल कर लिया कि आ पैसे बदली दे ट्रांसफर विच असी पैसे लेंदे सी, ते नजायज रेता बेच के असी कमांदे सीगे। ते मैनू दसो बदली ट्रांसफर मुख्यमंत्री करदा है कि उहदा रिश्तेदार करदा है? बदली ट्रांसफर जे जिहड़ा मुख्यमंत्री पैसे लैन लग जूगा, नजायज रेता बेच जूगा, फिर लोगों वास्ते तो 5 साल खजाना खाली, तुहानू नहीं कुछ आपां दे सकदे क्योंकि खजाना खाली है। ते फिर मेरे वीर 1 लाख करोड़ का कर्जा चाड़ता हैगा पिछले 5 साल च इस कांग्रेस सरकार ने, ते खजाना खाली किवें, वो पैसे कित्थे गए? ये सारे लुट्टी जा रहे सी, ना विरोधी धिर ने मुँह खोलिया इन्हां दे खिलाफ, ते ना चन्नी साहब ने मुँह खोलिया। क्यों नहीं खोलिया विरोधी धिर ने? क्योंकि रली मिली खेड खेडी सी, आपां सारे इकट्ठे हाँ, तुसीं चुप्पी धारी रहो, 11 जने 20 विचों 11 तो चले गए ने कांग्रेस दे विच, तुसीं चुप रहो, थानू 1 लाख की जिहड़ी थोड़ी तनखा मिलती वह भी मिलती रहूगी, थोड़ा मकान, थोड़ा घर, थोड़े पेट्रोल बिजली के बिल असी देंदे रहांगे, साडे खिलाफ बोलो ना। सो जिहड़ा एक मौका आ दिता सी वह तो आपां इन्हां दा कावकाज देख लिया, 20 विचों 11 चले गए। बाकी आ मैं पूछना चाहती हाँ कि 5 साल विच की केजरीवाल मुड़ के कदे पंजाब आया? अज भगवंत मान फिरते ने, 5 साल च कदे थोड़ी सार लैन वास्ते आए? हुण वोटां दे वेले सारे फसली बटेरे एक बार निकल के आ जांदे इक्को निशाने दे नाल, थोड़ी अपनी 100 साल पुरानी जिहड़ी खेतरी पार्टी है, इस खेतरी पार्टी नूं हराउण वास्ते आपां सारे इकट्ठे किवें हो सकते ने? ते आ जरूरी, झूंडा साहब ने बड़ी जरूरी गल्लां तुहानूं कहियां ने, जिहदे वास्ते मैं भी तुहानूं सचेत करन वास्ते आई हाँ। यह लड़ाई पंजाब वास्ते इन्नी अहम है क्योंकि इस बारी आ जिहड़ा डाकू केजरीवाल जिहड़ा फिरदा हैगा, आ कांग्रसियां दे ते झूठी सौं आपां देख लितियां, केजरीवाल दी भी झूठी सौं तुसीं देखी हुई है, वह किहड़ा बंदा हुंदा तुहाडे विच्चों जिहड़ा गुटका साहब दी शरेआम झूठी सौं खा सकदा है, या अपने बच्चियां या अपने मापिया दी झूठी सौं खा सकदा है? ते केजरीवाल ने तो अपने बच्चियां दे सिर दी सौं खाधी सी कि मैं तो अन्ना हजारे नूं छड़ के सियासत विच इस करके आ रहा क्योंकि भ्रिष्ट कांग्रेस नूं जेल च तकना है, ते बच्चियां दी सिर दी सौं खांदा है, कदे किसे नाल रली मिली सरकार नहीं बनावांगा। ते फिर सीटा घट रह गया तो भ्रिष्ट कांग्रेस के नाल ही सरकार बना गया, बच्चों को भुल गया। तो भगवंत मान ने तो हमने 2019 थोड़े सामने अपने माँ के सिर की सौ खाधी सी कि मैं कदे बोतल में हाथ नहीं लावांगा, तो हुण कहन दी की लोड़ है? जिस दिन ऐलाना गया 2 दिन लभ्या नहीं क्योंकि कितने डकिया पिया सी, मेरे नाल तो पार्लियामेंट च होता है, जिहड़ा बंदा जिन्हों लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लोकतंत्र दे मंदिर च सवेरे 11 बजे शराब पी के आंदा है, इन्हें सूबे की की रखवाली करनी है, सूबे की की अगवाई करनी है, अपन सोचने की लोड़ है। तो केजरीवाल ने इन्हू चुनिया क्यों है ये भी मैं थानू दसना चाहती हाँ। केजरीवाल कहता मैनू एक मौका चाहिए है, एक मौका उन्हें क्यों चाहिए है? ये अपन पहचानन की लोड़ है। एक तो आती है सुनी सुनाई गल्लां, केजरीवाल ने अदालत विच सुप्रीम कोर्ट च हलफनामा पेश किया होया, लड़ाई लड़ रहा है पंजाब के खिलाफ कि पंजाब के पानिया च दिल्ली का भी हक हैगा, जिहड़ा इत्थे आके बोलता है मैं दिल्ली च मुफ्त पानी ते बिजली देंदा है, मुफ्त पानी साडा हैगा जिहड़ा केजरीवाल दिल्ली च चलांदा हैगा, ते लड़ाई लड़ रहा है कि पंजाब का होर पानी सानू चाहिए है, आ हरे भरे थोड़े खेत, आ पानी जे केजरीवाल की सरकार बन गई ते ए पानी जे दिल्ली ले गया, ना ये खेत रहनगे, जद नहरा सुक जान गया ना ये फसल रहनगे, ना वाटर वर्क्स से पानी होगा, ना थोड़े टूटिया से कोई पानी आऊगा, ये लड़ाई लड़ रहा है। ते क्यों नहीं बोलता है केजरीवाल या भगवंत मान कि ये हलफनामा वापस लेता है कि अजे भी लड़ाई जारी हैगी, ए दे बारे क्यों नहीं चर्चा करते ने?
दूजी लड़ाई जड़ी केजरीवाल लड़ रहा है, पंजाब दे सारे थर्मल प्लांट बंद किए जान, ये लड़ाई अदालत च चल रही है। बंद इस करके क्योंकि पंजाब दे थर्मल करके दिल्ली की हवा खराब होती है। अज मैं थोनू पुछदी हाँ, बिजली आमो आम करन वास्ते श्रोमणी अकाली दल ने पूरा जोर ला के पंजाब च जिथे 10 घंटे के कट लगते सी असी बिजली आमो आम की, आ बंदा कहिंदा सारे थर्मल बंद किए जान, ते थोड़ी मोटर वास्ते ट्यूब ट्यूबवैलों वास्ते घर वास्ते दुकाना वास्ते जे डीजल के ना थोनू चलाना पेगा थोड़ा खर्चा तुम वो चल सकोगे जो थोड़े थर्मल सारे बंद हो गए। तीसरी लड़ाई जड़ा केजरीवाल अदालत में लड़ रहा है कि दिल्ली की हवा गंदी करते हैं पंजाब के किसान, इन्हों जेल च धक्को नहीं तो 1-1 करोड़ इन्हों जुर्माना लाओ। नाले आ भी कहता है कि भावे हरियाणा लागे लगता है दिल्ली दे, लेकिन जिम्मेदार हरियाणा घट है पंजाब दे वध ने। ये बंदा साडा सखा बन सकता है? ये पार्टी साडी राखी करूगी? तो कि भगवंत मान के लत्तों से उन्हें दम हैगा कि जिस दिन अगली तरीक लगी साड़ी पानिया दे, ते केजरीवाल का दिल्लियों फोन आया कि साइन कर जिमें हमें दसिया इंदिरा गांधी ने कराया से, ते माड़ा जा जे केज जे भगवंत मान ने आया जा मुंडी हिलाई सिर ऐ हिलाया, ते गांधी परिवार ने कैप्टन नू कढ़ के ऐ रातों रात सिटिया, ते केजरीवाल ने ऐ चक्के भगवंत मान नू सिट के कंधा च, ते पहले ही लिखिया एक मौका केजरीवाल नू जे आप आके बह गया ते पानी चले गया ते मेरे वीर 5 दिन जब बंदी होंदी औखा हो जाता है, 5 साल किवें कट्टोगे तुसी? क्यों आप जाके लोगों इन्हों चुनौतियों बारे सचेत क्यों नहीं करते जेडे इन्हों वोट पाने फिरते हैं कि आ हकीकत हैगी असल लड़ाई पंजाब की हैगी, तो बहुत सीरीयस लड़ाइया है जिन्हों बारे अपन सोचने की लौड़ है। जिदे करके अज मैं थोड़ा सारे आही बेनती करन वास्ते आई हाँ, जाके दसो उन्होंने जिहड़ा केजरीवाल का दिल्ली मॉडल हैगा, दिल्ली मॉडल जे किसी को आटा दाल नहीं मिलता सारे कार्ड कट्टे जाएंगे, इन्होंने क्यों खंड किया तो अद्धे कार्ड कट पे, इन्हें तो सारे ही कट देने हैगे। दिल्ली मॉडल से किसी को पेंशन नहीं मिलती, दिल्ली मॉडल से किसी का शगन का चेक नहीं आता, सारा कुछ थोड़ा पानी भी लै जाना है सहूलत भी लै जानी है। यहो जे वे ठगा तो आप सचेत रहिए तो अपने पंजाब को बचाइए। तो सुखबीर जी, श्रोमणी अकाली दल थोड़ी अपनी पार्टी सब तो पहले ऐलान किया, एक मेरी सज्जी बाह बन के मेरा दलित भरा वो मेरा डिप्टी मुख्यमंत्री होगा, तो एक मेरा हिंदू भरा होगा, इनू मैं कहती हाँ अमर शांति भाईचारिक सांझ का सबूत। इन्हों की तरह राजनीति नहीं जिहड़ा प्रियंका गांधी राहुल गांधी ते सिद्धू ने खेडी है कि 20 तरीक के बाद चन्नी गुम ते सिद्धू तेनू मुख्यमंत्री बनावांगे 20 तरीक तक मुँह बंद रख। ये राजनीति गंदी राजनीति धर्म के नाचे असी नहीं। सब तो पहले ऐलान किया ताकि गरीब की पूरी हकदारी होए, गरीब हिस्सेदारी होए सरकार दे विच, हर वर्ग नू अगे लैके जाना है। तो मैनू इस गल का मान है कि जो कहा हमेशा करके दिखाया, जद ये कहिंदे सी झूठ मार दे आटा दाल नहीं मिलेगा वह भी थोनू दिता, पेंशन शगन भी दिती, तो हुण जे तुसी सरकार बनाओगे फिर हरेक मुखी माता दे खाते विच अज महंगाई की मार, डीजल दे रेट वधन कारण करके गैस के सिलेंडर की कीमत कितने हैगी, तेल भी कितने है, दालों की, हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है। आप भैनों को पता है कि कितनी औखियाई हैगी। थोड़ी सरकार जे तुसी बनाई फिर हर मुखी माता दे खाते विच हर महीने 2000 रुपए थोड़ी सरकार दोगी, 24000 थोड़े खाते जाएंगे, थोड़ी बाह फड़ेगी सरकार। साडे किसान वीर आ चन्नी साहब उत्थे चन्नी ने दिते ढुकदा मुआवजा किसानों, बेचारिया की नरमे की फसल की खराब हो गई, ना दवानी किसी किसान ना किसी मजदूर नू। अपनी सरकार बनाओ, 50000 रुपए प्रति एकड़ बीमा थोड़ी सरकार थोड़े हर फसल ना करके दोगी, रब ना करे कोई कुदरती आपदा आके खराबा हो जाए, सीधे बीमा कंपनी तो थोड़े खाते विच पैसे जमा होंगे। ऐ करके सरकार मगर किसी नू फिरन की लोड़ नहीं होगी, थोड़ी सरकार थोड़ी माफ होगी। हर परिवार के 400 यूनिट बिजली दे मुफ्त किए जाएंगे हर महीने, तो वो जेड़े है पढ़े लिखे जे भले कहते हैं भी बोझ कि उत्ते पा के इन्हों मुफ्त देंगे, हर परिवार के होंगे। तो आगू जब मैं कहती हाँ, जब आगू पढ़िया लिखिया तो ईमानदार होंदा है, जब बिजली नहीं होंदी सी असी तां बिजली सरपस करती, आ सड़कां बनाती, आ हवाई अड्डे बनाते, तो फिर बिजली भी किवें करनी है। सुखबीर जी की विजन हैगी, एक सोच हैगी, क्योंकि ना तो भगवंत मान वर्गे शराबी ने, ना अमरिंदर सिंह वर्गे सुस्त ने, तो ना चन्नी वर्गे चोर ने, आप काम करके दिखाए ने, तो मौका लभदे ने, आप किते हुए ने,
बिजली दे 400 यूनिट मुफ्त किवें होणगे। अगले 3 सालां दे अंदर जिन्ने पंजाब च बिजली है सारिआं नूं सोलर करके सारे बिल ही खत्म कर दांगे। इस निशाने दे नाल काम करांगे। 5 लाख गरीबां दे मकान बनाए जाणगे। हर वर्ग दी हर तकलीफ नूं घटाउण वास्ते साडा 13 नुकाती प्रोग्राम तुहाडे सामने होगा, जिथे अज इलाज तो गरीब वांझा रह जांदा है, पढ़ाई लिखाई तो बच्चे वांझे रह जांदे ने। 10 लाख का हर परिवार का कार्ड बनाया जाऊगा, सेहत का प्राइवेट तो करा लो, ऑपरेशन करा लो, जो मर्जी इलाज कराओ, दवाई खरीदो, 10 लाख का ही तुसी इलाज कराओ, थोड़ी सरकार थोड़ा खर्चा भरूगी। बच्चों की सिक्ख्या वास्ते 10 लाख का कार्ड, भावे पढ़ाई करन, देश से करन, विदेश से करन, ट्यूशन करन, जिथे मर्जी अपनी तालीम है लेन, साड़ी सरकार खर्चा करोगी, तुसी बच्चों वधिया पढ़ा लिखाओ। पढ़ाण लिखाण के बाद 1 लाख सरकारी भर्तियां थोड़ी सरकार करेगी, 50% बीबिया वास्ते 10 लाख गैर सरकारी नौकरियों का इंतजाम किया जाऊगा। एक कानून पंजाब से लेके आवांगे कि जिन्ने कारखाने हैगे, प्राइवेट हैगे, सरकारी हैगे, सारिया दे विच लाजमी 75% नौकरियां पंजाब दे ही बच्चों देनी पैणगी, फिर बेरोजगारी दूर किवें नहीं होगी। जिहड़ा गरीब का पढ़िया लिखिया बच्चा आपके पैरों से खड़ा होना चाहता है, उस बच्चे वास्ते सरकार बिना ब्याज 5 लाख रुपए हर बच्चे या बच्ची नूं देगी अपना छोटा मोटा काम काज करके अपने पैरों ते खड़े होने वास्ते। ते जिन्ने पंजाब दे कॉलेज ने सारिया दे विच 33% सीटा सरकारी स्कूल च पढ़न वाले बच्चों वास्ते रिजर्व कीतियां जाणगियां, 5 साल के अंदर गरीब के बच्चे नूं डॉक्टर ते इंजीनियर बना के थोड़ी सरकार दिखाऊगी। सो मेरा कहना पा कि कई चीज़ा मुलाजमान वास्ते पे कमीशन लागू होगी, 2004 की तरह इन्हों पेंशन मिलेगी, सारे कच्चे मुलाजम पक्के, वो चन्नी की तरह नहीं इश्तहार कटता तो लभदे रहो कि पक्का होया, कोई लभदा ही नहीं है, सारे कच्चे मुलाजम भी पक्के करके थानू दिखावे। भावें मुलाजम होन, किसानों के जिते पानी नहीं पहुँचता अंडरग्राउंड पाइपों राहे पानी पहुँचाया जाऊगा, जो पहले कहो करके दिखाया, जो गाँव अगे कह रहे हो भी थानू करके दिखावे। सिर्फ हाथ बन के बेनती कर दिया, 4 दिन रह गए ने, पिंड दे घर घर ताईं पहुँच करो, जेड़े दूजे पासे ने उन्हां नूं भी समझाओ, जां साडा पानी लुट के एक मौका केजरीवाल मंगदा, क्योंकि इहनूं भी पता है दूजे मौके की लोड़ ही नहीं मैनूं पैनी, सारा कुछ तो मैं अज दिल्ली दे पैसिआं दे नाल इत्थे प्रचार कर रहा है, कल थोड़ा सारा कुछ लुट के देश च प्रचार करूंगा, उन्हां नूं समझाओ थोड़ा भी सारा कुछ लुटिया जाऊगा, सारी सहूलतां बंद हो जाऊगी। आओ तकड़े होके अपने पंथ की पार्टी नूं, अज देश च कितें भी चले जाओ झाड़ू दिखाओ किहदी पार्टी, कहणगे केजरीवाल की, उन्हां नूं पंजा दिखाओ कहणगे गांधी परिवार की, कमल का फूल दिखाओ कहणगे मोदी दी, लेकिन गुरु नानक वर्गी और तकड़ी किसे नूं दिखाओ कहणगे पंजाब पंजाबियां ते पंथ की पार्टी है, 100 साल पुरानी पार्टी, 100 साल पुरानी पार्टी जिन्हों वर्त के देखिया होया है। ते अज मैं इस इलाके के लोगों आ भी विश्वास दिलानी हाँ कि जिहड़ी झूठी सौ कांग्रसियां ने खाधी सी शरेआम तुहाडे अखां दे सामने कि 4 हफ्तों से पंजाब तो नशा खत्म कर देंगे, आज 5 साल हो गए ने, मैनू दसो सानू तो भंड लिया, लेकिन 5 साल से 5 गुना नशा थोड़े गली गली ताईं इन्होंने पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया। तो मैं आज थानू विश्वास दे के जाती हाँ, तुसी झुंडा साहब नू कामयाब करके श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाओ पंजाब से, ते 5 साल बाद पंजाब से या नशा रहूगा या श्रोमणी अकाली दल रहूगी, इन जड़ों पट के असी सिटके दिखाउणू दिखावांगे कि किवें नशे खत्म होंदे ने। ते आ ना सोचो कि तुहाडे ओ बेचारे बच्चे जिहड़े हैगे, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਖੁੰਜੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 5 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਮ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੋਟਾਂ 20 ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗੇ, ਕਾਹਨੂੰ 2-4 ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ
पंजाब से खेतरी पार्टी लेके आओ जिहड़े पंजाब की गल करती है पंजाब की हका की राखी करती है तो पंजाब की लोगों को तकलीफ दूर करने वास्ते दिन रात मेहनत करती है। थोड़े सारे का मैं हाथ बन के शुकराना करती हाँ। आपका कीमती समा कढ़ के तुसी सारे इत्थे पहुँचे हो तय दिलों थोड़े इत्थे आन ना मेरे वालों थोड़े चरणा चे सीस चुका के बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु।